नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राज्यपाल और सीएम ने जनता को दी बधाई। फ्लैट निर्माण में देरी करने पर बिल्डरों को भरना होगा जुर्माना। नौ चयनित 1275 दारोगा की जिलेवार पोस्टिंग का ऐलान। मोबाइल गेमिंग का खतरनाक प्रभाव, बिहार में युवक ने निगला चाकू और चाबियां। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 10 विकेट से हराया। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राज्यपाल और सीएम ने जनता को दी बधाई। आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलिंगकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल आलिंगकर ने कहा कि श्री कृष्ण के जीवन लीलाओं और उपदेशों में हमें सत्य, प्रेम, त्याग और शांति की प्रेरणा मिलती है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में भारतीय संस्कृति और परंपरा में त्योहारों की महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी के इस विशेष रात को भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को आत्मसात करने और अपने सुख समृद्धि की कामना करने का अवसर मिलता है। फ्लैट निर्माण में देरी करने पर बिल्डरों को अब भरना होगा जुर्माना। अब फ्लैट्स के निर्माण में देरी करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने घोषणा की है कि अगर एग्रीमेंट के निर्धारित अवधि के समाप्त होने के 6 माह के भीतर फ्लैट्स सौंपे जाते हैं तो जुर्माना 4 लाख रुपए होगा। 6 से 10 माह की देरी पर जुर्माना 10 लाख रुपए और 1 साल से अधिक की देरी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। रेरा ने बिल्डरों और प्रमोटरों के लिए अन्य नियम भी लागू किए हैं, जिसके तहत प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ऑडिट कराया हुआ खाता 6 माह के अंदर जमा करना अनिवार्य है। इसमें देरी होने पर विलंब शुल्क के रूप में 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ट्रेन यात्रियों को मिलेगी बेहतरीन खान पान की सुविधा। अब ट्रेन यात्रा के दौरान यात्रियों को घर से खाना लाने की जरूरत नहीं रहेगी। भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को 3 समय के लिए शुद्ध और साफ सुथरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर देने की व्यवस्था की है। फिलहाल वैशाली एक्सप्रेस और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में हाजीपुर बेस किचन से तैयार भोजन यात्रियों को प्रदान किया जा रहा है। इस पहल के तहत सीनियर डीसीएम रोशन कुमार ने हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और बरौनी बेस किचन का निरीक्षण किया और सुनिश्चित किया कि सभी मानक के अनुसार व्यवस्थाएं की गई है। इस नई व्यवस्था से यात्रियों को यात्रा के दौरान स्वादिष्ट और ताजे भोजन की सुविधा मिलेगी। पटना के श्री बांके बिहारी इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पटना के इस्कॉन मंदिर में शाम 7:15 पर महामहोत्सव की शुरुआत होगी। वही 2 बजे रात तक भक्त मंदिर में आकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी राजीव मिश्रा ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया है। सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर परिसर में मंदिर के निजी बाउंसर भी मौजूद रहेंगे। 128 सीसीटीवी कैमरा से मंदिर परिसर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जाएगी। वही इस दौरान इस्कॉन टेंपल की ओर से किसी तरह के वाहन नहीं चलेंगे। वही अदालतगंज पूरब से पश्चिम की ओर भी वाहनों के आने जाने की अनुमति नहीं होगी। नवचयनित 1275 दारोगा की जिलेवार पोस्टिंग का ऐलान। बीते दिनों बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा 1275 दारोगा का चयन किया गया है। इस चयन में 822 पुरुष, 450 महिला और 3 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को जगह मिली है। इन नवचयनित दारोगा को बिहार के विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया है और सभी को 15 दिनों के अंदर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में सबसे ज्यादा 118 नए दारोगा भेजे गए हैं, जबकि पटना में 44, भोजपुर में 40, वैशाली में 37, मुजफ्फरपुर में 20 और नवादा में 87 दरोगा को एसएसपी और एसपी कार्यालय में योगदान देने को कहा गया है। योगदान के बाद नवचयनित दारोगा का वेतन चालू होगा। सभी नवचयनित दारोगा का राजगीर पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षण होगा, जिसके बाद उन्हें अपने अपने जिलों में पोस्टिंग दी जाएगी। शिक्षा मंत्री की पहल, किलकारी में सर्टिफिकेट कोर्स होगा शुरू।
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने रविवार को किलकारी में आयोजित विदाई समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किलकारी बाल भवन में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये कदम उन बच्चों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा जो कई सालों तक किलकारी में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से बच्चों को संबंधित विद्यालय में उच्च शिक्षा में दाखिला लेने में सहायता मिलेगी। मंत्री सुनील कुमार ने बच्चों को किलकारी परिसर की बहुरंगी प्रतिभा की सराहना की और उन्हें भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। बिहार में पारा मेडिकल कर्मियों की कमी होगी दूर, हर साल 2000 नए प्रशिक्षित कर्मी होंगे उपलब्ध। अब राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, पैथोलॉजी सेंटरों और रेडियोलॉजी सेंटरों में हजारों प्रशिक्षित पैरामेडिकल कर्मी उपलब्ध होंगे। अब तक पैरामेडिकल प्रशिक्षण केवल सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थाओं तक ही सीमित था, लेकिन बिहार सरकार ने अब निजी संस्थानों को भी इस क्षेत्र में प्रवेश देने का निर्णय लिया है। नए प्रशिक्षण कोर्सों में शामिल होंगे सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर, डिप्लोमा इन ECG टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन OT असिस्टेंट और डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर शामिल है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय इन निजी संस्थानों को मान्यता प्रदान कर रही है, जिससे राज्य के विभिन्न जिलों में नए संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। मोबाइल गेमिंग का खतरनाक प्रभाव, बिहार में युवक ने निगला चाकू और चाबियां। बिहार के मोतिहारी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक के ऑपरेशन के दौरान उसके पेट से चाकू, नेल कटर, चाबी के गुच्छे समेत कई लोहे की चीजें निकाली गई हैं। बता दें, युवक मोतिहारी जिले के चांदमारी मोहल्ले का बताया जा रहा है। बता दें, ये युवक पबजी गेम के चक्कर में अपना मानसिक संतुलन जो है खो बैठा है, जिसके बाद वे घर में पड़े लोहे के समान निगल जाया करता था। वही ऑपरेशन के बाद चिकित्सक अमित कुमार ने बताया कि युवक मानसिक रूप से बीमार है, फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अधूरे इंदिरा आवासों की मरम्मत के लिए मिलेगी मदद राशि। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत इंदिरा आवासों की मरम्मत के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, जिससे कि 6,000 गरीबों के अधूरे इंदिरा आवासों की मरम्मत की जाएगी। की मरम्मत के लिए ये राशि दो किस्तों में दी जाएगी, पहली किस्त 40,000 रुपए और दूसरी किस्त 10,000 रुपए। इस योजना के तहत नालंदा और पूर्वी चंपारण में 400 लाभार्थियों को, दरभंगा, गया, समस्तीपुर और मधुबनी में 300 लाभार्थियों को और अररिया, भोजपुर, शेखपुरा में 20 लाभार्थियों का इसका लाभ मिलेगा। वहीं सहरसा और सिवान में 25 और कैमूर, सीतामढ़ी तथा वैशाली में 50 लाभार्थियों को आवास मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आश्वस्त किया है कि राज्य में कोई भी गरीब परिवार आवास विहीन नहीं रहेगा। कोसी बेसिन परियोजना के दूसरे चरण की समय सीमा बढ़ी, मार्च 2025 तक पूरा होगा काम। कोसी बेसिन विकास परियोजना के दूसरे चरण का काम अब अगले वर्ष मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है। पहले ये लक्ष्य जून 2024 तक पूरा करने का था, लेकिन विश्व बैंक से मिली नई अनुमति के बाद इस समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2008 में कुशहा त्रासदी के बाद की गई थी और इसका काम तीन चरणों में पूरा होना है। पहले चरण का काम 2010 में शुरू हुआ और 2018 में समाप्त हुआ। वर्तमान में हम दूसरे चरण की प्रक्रिया में हैं, जो अब मार्च 2025 तक पूरा होगा। हालांकि इसमें 9 महीने की देरी हुई है, दूसरे चरण का काम मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पटना जिले के शिक्षा पदाधिकारी का राहत भरा आदेश। जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना ने शिक्षकों की वेतन कटौती के मामलों में राहत भरा आदेश जारी किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना संजय कुमार ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और विद्यालय अवर निरीक्षक को निर्देशित किया है कि वे शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती, स्थगन या बंदी की कार्रवाई केवल DEO की अनुशंसा और सहमति प्राप्त करने के बाद ही करें।
यह आदेश तब जारी किया गया जब डीईओ को अकारण वेतन कटौती और बंदी के चलते शिक्षकों की हो रही समस्याओं की सूचना प्राप्त हुई। इस निर्णय से शिक्षकों को एक बड़ी राहत मिली है। BSSC ने सहायक उर्दू अनुवादक मेंस परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड किए जारी। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सहायक उर्दू अनुवादक मेंस परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब अपना एडमिट कार्ड BSSC की ऑफिशियल वेबसाइट onlinebssc.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षा 29 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। इसे दो पाली में विभाजित किया गया है। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 1294 असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर पदों पर नियुक्ति की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा के दिन अपने एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी और एक वैलिड आईडी कार्ड अपने साथ लाना सुनिश्चित करें, क्योंकि ये परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य होगा। 75 लाख रुपए की लागत से राजगीर में शुरू होगा मिट्टी जांच प्रयोगशाला का निर्माण। बिहार के नालंदा जिले के ऐतिहासिक शहर राजगीर में एक नई मिट्टी जांच प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इस प्रयोगशाला की स्थापना के साथ ही जिले में दूसरी सरकारी मिट्टी जांच प्रयोगशाला का आगाज होगा। राजगीर में एक किसान भवन में स्थापित होने वाली इस नई प्रयोगशाला पर लगभग 75 लाख रुपए का निवेश किया जाएगा। यह प्रयोगशाला सालाना 10,000 मिट्टी के नमूनों की जांच करने की क्षमता रखेगी। इसके माध्यम से किसान अपने खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता का सटीक विश्लेषण प्राप्त कर सकेंगे, जिससे वे बेहतर फसल उगा सकेंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। प्रशांत किशोर का मास्टर प्लान। जनसुराज के प्रशांत किशोर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे। इसको लेकर 243 सीटों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। इसमें 6 पॉइंट सामने आए हैं जिस पर प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। वे अगले 36 दिन में 20 लाख सदस्य बनाएंगे। 30 सितंबर तक सदस्यों की संख्या का टारगेट 1 करोड़ रखा गया है। इसमें 80 लाख पूरा हो गया है। टिकट बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग को साधना, पार्टी के लिए तैयार हो रहा संविधान, बिहार से बाहर रह रहे बिहारियों को जोड़ना, केंद्रीय कमेटी, इलेक्शन कमेटी, यूथ पर सबसे अधिक फोकस शामिल है। प्रशांत किशोर का ये मास्टर प्लान 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी रणनीति की झलक देता है। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 10 विकेट से हराया। पाकिस्तान के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेट से करारी हार का सामना कराया। इस शानदार जीत के साथ बांग्लादेश ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में हड़कंप मच गया है। पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान की टीम की रणनीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अफरीदी का कहना है कि टीम के प्रमुख स्पिनर अबरार अहमद को नज़रअंदाज करना और तेज गेंदबाजों से भरी टीम का चयन करना एक गलत फैसला था। अफरीदी के मुताबिक पाकिस्तान टीम के पास एक भी स्पिनर नहीं था, जो कि उनकी हार का एक बड़ा कारण हो सकता है। पाकिस्तान की हार का मुख्य कारण क्या हो सकता है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोनर शर्मा, राधेश्याम साह, संजीव कुमार, अर्जुन राम, मोहम्मद अरमान, सादुल्लाह पलवी, रंजीत मिश्रा, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद साकिर हुसैन, राजेश्वर कुमार यादव, राम बाबूदास। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, श्री कृष्ण जी के जीवन की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है और क्यों? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।